ओके, ये एक सी क्लैंप है, सी क्लैंप मतलब सी क्लैंप है ये, क्योंकि ये सी की तरफ होता है। ओके, अल्फाबेटिकल जो इंग्लिश वर्ड होता है सी, सी की तरफ ये एक्ट करता है। इसका शेप इधर भी हो सकता है, इधर इस शेप में भी, और एक क्लैंप की तरफ काम कर रहा है। जिस लाइक अगर वर्कशॉप में देखोगे, वर्कशॉप में जो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लैंप करने के लिए यूज़ होता है, किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए यूज़ होता है, इसी वर्कशॉप में है। और इसका एक बीम है, ओके, एक सी की बना हुआ फ्रेम है, ओके, ये जिस स्टील से बना हुआ है, इसका मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस 380 न्यूटन पर एम स्क्वायर, इसका मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस दिया हुआ है। द एल्डेस्ट पॉइंट मीन्स इसका दिस वैल्यू, द इल टेंसाइल वैल्यू इज 380 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर दिया हुआ है। तो कैलकुलेट करना है इसके डायमेंशंस को, कैलकुलेट करना है, ओके, कि इसका कितना थिकनेस का तुम बनाओगे। ओके, कैलकुलेट द थिकनेस एंड डायमेंशन ऑफ दिस क्लैंप। तो ये क्लैंपिंग है, जहाँ पे ये क्लैंप होगा, तो ये जो मैक्सिमम फोर्स दिया हुआ वो 20 किलो न्यूटन मैक्सिमम फोर्स इसके ऊपर लगाया जाएगा। जब ये फोर्स लगेगा तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 200 mm दिया हुआ है। और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, जिसका जो विड्थ है 150 mm दिया हुआ, थिकनेस जो है वो टी दिया हुआ है। तुम्हें इसका थिकनेस कैलकुलेट करना है, अगर इतना लोड हम देंगे 20 किलो न्यूटन तो थिकनेस कितना होना चाहिए ताकि ये टूट नहीं पाए। ऐसा ना हो कि इस पर फोर्स लगाएं तो ये बैंड होके ये चीज़ यहाँ से टूट जाए मेरा। तो इसमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया में क्यों डिज़ाइन, मुझे इस क्रॉस सेक्शन एरिया करना है। ओके, तो ये जो कॉलम है, ये जो वर्टिकल कॉलम है, ये दो हॉरिजॉन्टल कॉलम हो गया, जबकि ये कंटिन्यूस एक ही फ्रेम का बना हुआ है। ओके, हम लोग के वर्कशॉप में जो ड्रिलिंग मशीन्स है वो भी इसी तरह का ही है, लेकिन उसमें कंटिन्यूस फ्रेम नहीं लगा हुआ है। उसका वर्कशॉप का देखोगे, हम लोग का जो वर्कशॉप में जो ड्रिलिंग मशीन है वो इस तरह का है। थोड़ा सा यहाँ पे फिगर बना देते हैं, ये हमारा टेबल हुआ। ओके, एक वर्टिकल फ्रेम ये इस तरह का है, यहाँ मेरा लगा हुआ मोटर। ओके, अब इसी मोटर में इधर से मेरा ड्रिल बिट लगा हुआ है। तो इट्स लुक्स लाइक ए सी, तो ये भी देखो सी क्लैंप ही की तरह काम कर रहा है। तो जब हम लोग ड्रिल बिट्स लगाते हैं फोर्स, तो यहाँ पे कोई ड्रिल करता है फोर्स लगाता है, एफ फोर्स लगाया, तो ये इतना फोर्स लगाने पे ये जो कॉलम है कहीं टूट ना जाए। तो वो सेम चीज़ यहाँ पे इस चीज़ को दिखाया गया है। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि हमको डिज़ाइन किस पे करना होगा। तो ये याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, ओके, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम, अगर पे कह दे कि अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग बोलता है क्या चीज़ है, कि सिग्मा वन जो होगा वो हमेशा वैल्यू एस वाई टी के अंदर होना चाहिए। ओके, तो हमको डिज़ाइन किस पे करना है, हमको डिज़ाइन करना है कि एस वाई अगर इसके बराबर भी हो गया तब भी डिज़ाइन फेल होने के चांसेस हो सकता है। इसीलिए इसको हम, ये हमारा कंडीशंस हुआ, ओके, ये हमारा मिनिमम कंडीशन हुआ, और अगर हम ये हो गया तब तो डिज़ाइन बिल्कुल टूट गया। ओके, ये तो कभी होना ही नहीं चाहिए। तो कहने का तो है कि हमारा जो सिग्मा वन हम प्रिंसिपल स्ट्रेस लेंगे, जिसको बोलते हैं परमिसिबल स्ट्रेस हम लेंगे, वो अगर एस वाई टी डिवाइडेड फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे तो इस पे हम काम कर सकते हैं। क्योंकि जब फैक्टर से डिवाइड देंगे तो ये मेरा डाटा जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो हम ये जो फैक्टर से डिवाइड दे दिए, तो अब ये जो मेरा कहलाएगा परमिसिबल स्ट्रेस। ओके, तो परमिसिबल स्ट्रेस कितना आएगा, तो दिस इज सिग्मा वन, यू कैन राइट सिग्मा वन, अगर सिग्मा वन नहीं लिखने मन सिग्मा टी लिख सकते हो, क्योंकि अब ये सिग्मा टेंसाइल बन गया मेरा। ओके, तो 380 डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज गिवन, एंड
2.5। तो ये जो आंसर आएगा इसमें परमिसिबल होगा, और इसका आंसर जो आएगा वो लगभग आएगा 152 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब जो डिज़ाइन करना है मुझे इसी के ऊपर डिज़ाइन करना होगा। ओके, ये हमारा स्ट्रेंथ हो गया, इससे ही हमको डिज़ाइन कैलकुलेट करना है डायमेंशन से। तो सबसे पहले देखना होगा ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया पे है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में कौन कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस हुआ, क्योंकि ये तो मेरा स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस है तो स्ट्रेस चेक करना होगा कितना स्ट्रेस। तो पूरा स्ट्रेस इसके बराबर मान लेते हैं, तो इस क्रॉस सेक्शन पे देखो जो फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स के इसके हिसाब से डायरेक्ट स्ट्रेस लग सकता है। तो पहला स्ट्रेस लगेगा डायरेक्ट स्ट्रेस, मतलब पी बाय एरिया। ओके, पी बाय एरिया, तो लोड कितना है 20 न्यूटन। ओके, ट्वेंटी न्यूटन, तो ना हो तो यहाँ पे मेरा 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन गिवन दैट। अब इसमें टोटल जो फोर्स लगेगा मैं 20 न्यूटन, तो मेरा कितना होगा 20 न्यूटन है किलो न्यूटन से, तो 1000। ओके, डिवाइड बाई एरिया, एरिया कितना होगा मेरा इसका, एरिया होगा ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया मेरा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, इस पार्ट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, थिकनेस हो गया दिस थिकनेस, जैसे मान लीजिए मेरा वर्टिकल कॉलम ये चीज़ हो गया, ओके ये अगर मान लीजिए इस चीज़ को हम ऐसे कर रहे हैं, ये चीज़ ऐसा हो गया, ये थिकनेस हो गया टी, और ये उसका हो गया विड्थ 150। ओके, दिस लुक लाइक दिस वन, तो यहाँ से लेकर 200 यहाँ हो गया, इसके बाद इसका थिकनेस हो गया टी, इसका विड्थ हो गया 150। तो एरिया जो होगा वो मेरा होगा 150 इंटू टी। ओके, देन ये हुआ डायरेक्ट स्ट्रेस। सेकेंड स्ट्रेस जो होगा मेरा होगा बेंडिंग स्ट्रेस होगा, क्योंकि जब इसको फोर्स लगाएगा F, तो ये बैंड हो सकता है, तो बैंडिंग का चलते यहाँ पे टेंसाइल लगेगा, यहाँ पे कंप्रेसिव होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो बैंड होगा, जैसे इसको ऐसे कर सकते हैं, जब ये करेगा तो ये इसको बैंड कर सकता है, जब ये घूमेगा यहाँ पे कंप्रेसिव, यहाँ पे टेंसाइल, तो यहाँ पे मेरा क्या हो सकता है, तो क्योंकि ये चीज़ मेरा ये चीज़ भी टेंसाइल लग रहा है। ओके, ये बहुत सा तो टेंसाइल लग रहा है यहाँ पे मेरा, और प्लस इसके चलते हुए टेंसाइल दोनों ऐड हो जाएगा, तो बेंडिंग स्ट्रेस के चलते मेरा जो पैदा होगा वो मोमेंट फोर्स इंटू वाई। ओके, आई आई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट कितना होगा, तो फोर्स मोमेंट होगा फोर्स इंटू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसका जो सेक्शन है सेंटर, यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस, तो 200 इंटू 150 का हाफ कितना हो गया 75, तो मोमेंट होगा मेरा दिस वैल्यू इंटू 75 प्लस 200 मोमेंट। वाई कितना होगा मेरा, वाई होगा मेरा क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस से मेरा कितना ये दूर है, और प्लस यहाँ पे किसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो ये चीज़ जो है, ये जो चीज़ है वो इस तरह से रोटेट कर रहा है। ओके, लुक लाइक दिस, ये ऐसे रोटेट कर रहा है उसे, तो मेरा जो न्यूट्रल एक्सिस जो होगा वो दिस। ओके, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया, तो न्यूट्रल एक्सिस से वाई क्या होगा, इसका डिस्टेंस, इसको बोलते हैं वाई, अपर फाइबर या लोअर फाइबर डिस्टेंस, तो 150 हाफ 75। ओके, एंड देन आई इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्सिया, तो मोमेंट से क्या होगा, किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो ये इस तरह से घूम रहा है, तो मोमेंट से जो होगा फॉरवर्ड एक्टिंग से 150 का क्यू इंटू टी। ओके, ये मोमेंट इनर्सिया का फॉर्मूला हो गया सिंपल, तो टोटल मेरा स्ट्रेस होगा 152। ओके, इसको सॉल्व कर देते हैं, ट्वेल्व ऊपर चला जाएगा। ओके, ट्वेल्व ऊपर हो गया, 150 का क्यू इंटू टी। नाउ दिस सॉल्व द इक्वेशंस। ओके, तो जब सॉल्व करोगे तो इसका अप्रोक्स कुछ डाटा आएगा मेरा थिकनेस,
तो ये मोमेंट से तो क्लियर होगा कि मोमेंट से मैं क्या चीज़ होता है, जैसे कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया का मोमेंट से क्या होगा, जैसे ए है बी है, जिस सेक्शन को काटता है उसका क्यू कितना, 1/2 है बी का पावर क्यू इंटू ए। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि आप ये चीज़ मेरा चूज जो है ये मेरा ऐसे घूम रहा है, इसके बाद घूम रहा मेरा है, तो ये चीज़ क्रॉस सेक्शन एरिया होती है, ये चीज़ घूमेगा ऐसे लुक लाइक दिस वन, ऐसे लुक लाइक, तो इस एक्सेस के अबाउट घूम रहा, जिस एक्सेस को काटेगा काटता उसका हम क्यू कर देते हैं, तो 150 का क्यू यहाँ पे हम कर देते हैं इनटू टी। देयरफॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशंस वी गेट टी इक्वल टू समथिंग्स। ओके, तो हम लोग इसे थिकनेस को कैलकुलेट कर देते हैं। ओके, ये मेरा एक लॉजिकली बहुत सिंपल फॉर्मूला था। कभी कभी हम लोग ऑफसेट लिंक को भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखोगे किताब में भी ये ऑफसेट लिंक है, क्योंकि यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, इसका टी टू टी दिया हुआ, तो कितना इसमें मेरा फोर्स लग सकता है। ओके, तो वही है कि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया हुआ होगा, जैसे मान दिया हुआ 300 फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 दिया हुआ, डिवाइड कर दिया 100 आ गया। ओके, उसके बाद डायरेक्ट एक्सेस पी बाई लोड कर देंगे, तो पी लोड हुआ और एरिया कितना हो गया, इसका एरिया कोशिश से टी इंटू टू, इसका एरिया हो गया टी इंटू टू, टी हमने एरिया कर दिए, प्लस मोमेंट कितना होगा, फोर्स 25 इंटू सेंटर ग्रेविटी डिस्टेंस, तो 10 ये इसका ऑफसेट दिया हुआ 10। ओके, ये 10 दिया हुआ, इसका डिस्टेंस होता कितना, 2t का t, तो 10 इंटू टी इंटू फिर तुमको थिकनेस y, मतलब हो गया कि इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो 2t का हाफ t। ओके, क्योंकि इसके अबाउट घूम रहा है, इसको हम लोग इसके अबाउट ये घूम रहा है। ओके, तो y क्या होता है, y होता है न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर डिस्टेंस का दूरी, थी टोटल 2t है, तो डिस्टेंस कितना होगा, इसका t ही होगा। ओके, तो वही जो y है, y इसके जगह पे पुट किया गया है ओनली t, और जो मोमेंट क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स हो गया 25 किलो न्यूटन, ठीक है ना, और डिस्टेंस कितना होगा न्यूट्रल एक्सिस से सेंटर से, देखो यहाँ पे दिया हुआ 10, और इसका कितना हो गया t, 10 प्लस t, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस हो गया 10 प्लस t, हो गया। सबको सॉल्व कर देंगे, ये तो मैं क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करने पर थिकनेस दिस वन आ गया। तो ये जो मैं लिंक है ऑफसेट लिंक, ये कह सकते हो सी क्लैंप, बस इसको इसी तरह क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी, बस ये फॉर्मूला याद रख लेना इंपॉर्टेंट के लिए, ठीक है, एक फोर्स बाय एरिया, एक मोमेंट न्यूट्रल एक्सिस डिस्टेंस एंड मोमेंट ऑफ इनर्सिया। ओके, देखो मोमेंट से कितना दिया, 1/12 किसको काट रहा है, देखो देखो इसको काट रहा है, तो जिसको जिस एक्स को काटता है उसका क्यू लेंगे, जैसे 2t का पावर क्यू, और उसके पास जिसको नहीं काटा उसका टी, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया टी, ठीक है, ये टी लिखा गया टी, ये टी। ओके, जिसको काटता है उसका पावर क्यू कर देते हैं। ओके, दिस इज बेसिक इक्वेशन। ओके, तो ये मेरा बहुत इजी था, नेक्स्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे, फ्लाई व्हील पर डिस्कस करेंगे, फ्लाई व्हील को कैसे हम डिज़ाइन करते हैं।